नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। एंड अगर आपका मई 25 या उसके बाद का अटेम्प्ट है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इट कुड बी वन ग्रुप, इट कुड बी बोथ द ग्रुप्स। जो भी आपका स्ट्रेटेजी है वो अब अपन आने वाले टाइम में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले स्टे सब्सक्राइब्ड एंड क्लिक द बेल आइकन, बिकॉज एग्जाम तक तो भाई साहब आपके पास बहुत सारा डेटा आने वाला है, एंड विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स, बी इट योर रिविजन लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज को कैसे मैनेज करना है, इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद का अप्रोच, हाउ टू मैनेज डिफिकल्ट पेपर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो स्टे सब्सक्राइब्ड। एंड आज का ये जो सेशन है उसके ऊपर लेट्स फोकस के क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। सो स्टडी स्ट्रेटेजी फॉर मे 25 एंड बियॉन्ड अटेम्प्ट इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो उसके पहले क्यों ये स्टडी स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर अ सिंपल रीजन, बिकॉज नवंबर 24 अटेम्प्ट ने अपने को एक किक स्टार्ट दे दिया है कि बॉस हल्के में नहीं लेना है, बिकॉज द पेपर्स इफ यू सी ऑन एन एवरेज द पेपर्स आर एवरेज टू अबव एवरेज। फॉर एग्जाम्पल FR अबव एवरेज टू अबव एवरेज। अभी अबव एवरेज किसके लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिसने फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट दिया था। एन एवरेज पेपर हो सकता है किसी के लिए सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट हो, तो उसको काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट का आइडिया आ गया होगा, तो उसके लिए एक एवरेज गया होगा, बट मोर ऑर लेस इट वॉज अबव एवरेज पेपर। बॉस AFM तो क्या ही बताए, इट वॉज डेफिनेटली ऑन द टफर लेवल। ऑडिट में पेपर एवरेज अबव एवरेज आया तो भी चेकिंग की वजह से कितनी बार अपना क्लियर नहीं हो पाता है। DT सो वास्ट दैट एवरेज टू अबव एवरेज, मेरी DT के प्रोफेसर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यार एक एक पॉइंट्स उन्होंने क्या क्या उठा के क्वेश्चन पूछा है, ब्रिलियंट। सो दैट्स हाउ द पेपर्स वर। IDT वॉज एवरेज, यहाँ पे पब्लिक स्कोर करेगा। एंड IBS ऐसा था कि अगर IDT में एग्जेम्पशन नहीं आया तो शायद ये पूरा ग्रुप ही आपको ले डूबेगा। सो वेन वी नो बिफोर हैंड कि भाई अपने को एक एक्स्ट्रा पुश देना है, देन व्हाई नॉट स्टार्ट अर्लियर, राइट? तो व्हाट एग्जैक्टली आर वी सपोज्ड टू डू, व्हाट इज गोइंग टू बी आवर स्ट्रेटजीज, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस। बट प्लीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है दैट यस आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। इनफैक्ट यही मैनिफेस्ट करते हैं कमेंट में लिखकर दैट आई विल क्लियर मे 25 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो एक अपने को अभी 5 months है, आई एम श्योर आप लोग सब लोग अभी धीरे धीरे लीव पे आना स्टार्ट कर लोगे, एंड सो दिस बिगिनिंग बाय राइटिंग दिस कमेंट इज व्हाट विल बी द स्टार्ट टू समथिंग वेरी वेरी गुड दैट वी आर लुकिंग फॉर। सो सबसे पहले है सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप, ये चीज एकदम दिमाग में क्लियर कर लो। बहुत स्टूडेंट्स का एंड तक ये लिंगर ऑन करते रहता है कि एक ग्रुप देना है कि दो ग्रुप देना है। इफ यू आस्क मी, बस इफ यू आस्क मी तो 5 papers ही है, तो दोनों ग्रुप ही देना चाहिए भाई। जब 8 papers होता था तभी भी मैं तो बोलता था दोनों ग्रुप देना है, तो अभी तो डेफिनेटली यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, सो डेफिनेटली गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। बट सर मेरी तो क्लासेस सारी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मुझे पता है ये चीज आप बोलने वाले हो, तो मेरा सेकंड पॉइंट यही है, कंप्लीट ऑल द लेक्चर्स एज सून एज पॉसिबल, इफ पेंडिंग डू इट राइट नाउ राइट अवे। सो कंप्लीट कर लो सारे के सारे लेक्चर्स, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। इवन इफ 1 to 2 subjects भी मैं अज्यूम करता हूँ, चलो 2 to 3 subjects आपके पेंडिंग है, IBS को अज्यूम करो, निकाल दो साइड पे। IBS कैसे मैनेज करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, इसमें वीडियो को एंड तक देखना। तो यहाँ पे जो अगर आपके 2 subjects भी पेंडिंग है तो डेफिनेटली एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस है, आप वो लेके कंप्लीट कर सकते हो, पूरी तरह से एकदम घुस जाओ उसमें एंड फोकस के साथ पहले उसको कंप्लीट कर लो, फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप पे आपका आएगा डिवाइड द 5 months विद रिविजन। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग का 150 डेज अवेलेबल है कि सबका, अगर आपका लेक्चर हो गया होगा तो, अगर वो लेक्चर नहीं हुआ है देन इन दैट केस ऑब्वियसली आपके पास जितने डेज अवेलेबल होगा उसमें आपको ये वर्कआउट करके दिखाना है। सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू सजेशन, आपको ये खुद से बनाना पड़ेगा दैट हाउ मच टाइम आर यू लेफ्ट विद। इफ यू आर डन विद ऑल द चैप्टर्स का लेक्चर्स तो आपके पास 150 डेज है, तो 150 डेज को आपको कैसे इफेक्टिवली डिवाइड करना है वो आप डिसाइड करोगे। अब हो सकता है किसी का FR बहुत वीक हो, किसी का AFM बहुत स्ट्रांग हो सकता है किसी का DT स्ट्रांग हो और IDT वीक हो, तो आपको उस हिसाब से अपना यहाँ पे नंबर ऑफ डेज पुटअप करना पड़ेगा, एंड उसके लिए आप कैसे 2 to 3 revisions कर पाओगे उसका डे से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी जगह पे हूं और मेरे पास 150 डेज है तो मैं 30 डेज FR को दूंगा, जिसको मैं डिवाइड करूंगा फर्स्ट रिवीजन 12 डेज, देन 8 डेज, देन 5 एंड लास्ट वाला
3 डेज में एफआर के लिए रखूंगा। ऐसे आपको हर एक टॉपिक के लिए करते जाना है, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन आपका कितना ग्रिप है कौन से सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे मेरा ऑडिट बहुत ही ज्यादा वीक था, सो ऑब्वियसली आई विल गिव मोर टाइम इन ऑडिट। मेरा एएफएम बहुत स्ट्रांग था, तो आई विल कैन अफोर्ड टू गिव अ लेसर टाइम इन एएफएम, क्योंकि मुझे पता था कि एएफएम में चीजें मुझे याद है, मुझे एक क्लिक हो जाती है एंड आई कैन सॉल्व एंड प्रैक्टिस द सम्स मोर क्विकली एज कंपेयर टू ऑडिट। बट हो सकता है आपके साथ कुछ और सिचुएशन हो, सो दिस इज व्हाट यू विल हैव टू मेक फॉर योरसेल्फ एंड इसको कहीं पे अपने कबर्ड पे स्टिक कर दो, सो दैट एक मोटा मोटा प्लान आप लोगों के दिमाग में सेट रहेगा दैट ओके इस हिसाब से अपने पास टाइम है। अब अगर आपके से फॉर एग्जांपल आप बोलते हो सर दो सब्जेक्ट के हमारे लेक्चर्स बाकी है, तो 31 दिसंबर तक हम लोग सारे के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे, 1 जनवरी से हमारा रिवीजन स्टार्ट होगा, तो 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक मैं बोलता हूँ अप्रोक्सीमेटली 120 डेज है, तो आपको ये 120 डेज में ये टोटल 5 to 6 सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली उसमें कैसे 2 से 3 रिवीजन कर पाओगे वो आपको डे वाइज रखना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, सो ये डिपेंड करता है फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट एज टू हाउ मच डेज डज ही हैव आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द लेक्चर्स। ओके, ये लेक्चर्स कंप्लीट करना इसके लिए भी जरूरी है सो दैट यू आर कंफर्टेबल विद ऑल द बुक्स दैट यू आर गोइंग टू यूज। कई बार क्या होता है पता है क्या, अपन लोग लेते हैं किसी का लेक्चर्स, बुक्स किसी और का पढ़ रहे हैं, फिर बाद में अपन लोग सेकंड रिवीजन में कोई बुक चेंज कर रहे हैं। इफ यू डू दैट देन इन दैट केस यू आर प्लानिंग फॉर अ डिजास्टर, अ प्लानिंग फॉर अ री अटेम्प्ट, बिकॉज अगर आप कंफ्यूज रहोगे देन इन दैट केस क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होगा तो आप एग्जाम कैसे सही से दे पाओगे। सो इसके लिए कौन सी बुक्स यूज करनी है, कौन से लेक्चर्स आप क्या फॉलो करने वाले हो, वो सब चीज का क्लैरिटी जितना जल्दी लोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू मोर टाइम टू कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स। फोर्थ, मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, यूज कैजेन अप्रोच ऑन डेली बेसिस। कैजेन अप्रोच क्या बोलते हैं पता है क्या, कि भाई ठीक है 100 डेज, 120, 150 डेज, ये तो एक बहुत बड़ा सिनारियो हो गया, कंसिस्टेंटली अपन ये कर पाएंगे कि नहीं नहीं पता है, बट एटलीस्ट एक दिन का प्लान तो कर सकते हैं ना। लेट्स टेक डे बाय डे प्लानिंग। अगर मैंने आज सोचा है कि भाई कल मैं 12 आवर्स पढ़ूंगा तो वो 12 आवर्स का मेरा प्लानिंग होना चाहिए कि बॉस 4 to 5 आवर्स मैं ऐसे एफआर पढ़ने वाला हूँ, 3 to 4 आवर्स मैं एएफएम पढ़ूंगा, 1 to 2 आवर मैं ऑडिट पढ़ लिया, ऐसा मेरा प्लान डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले बन जाना चाहिए और उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना है। मैं बोल रहा हूँ 150 डेज का प्लान शायद एग्जीक्यूट ना हो, एक दिन का प्लान तो हो सकता है ना, एक दिन का भी मत करो, सुबह उठ के एटलीस्ट लंच टाइम का प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट कर लो, तो फिर भी आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा। जितना अच्छा पढ़ाई आप लंच के पहले तक कर लोगे ना, उतना कॉन्फिडेंटली आप इवनिंग में और नाइट में भी उतना अच्छी तरह से खींच पाओगे। नाउ इट डिपेंड्स यू आर अर्ली राइजर और लेट स्लीपर। मैं अर्ली राइजर था तो मेरे लिए दिन स्टार्ट हो जाता था 5:30 AM एंड आई यूज टू स्टार्ट स्टडिंग बाय 6:15 AM, तो 5:30 को उठ जाता था मैं, 6:15 से स्टार्ट करता था एंड बाय लंच टाइम एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स मेरा एटलीस्ट पढ़ के हो जाता था, एक कॉन्फिडेंस आ जाता एंड देन आई वुड टेक थिंग्स फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। सो डेली बेसिस पे लंच तक आपको क्या पढ़ना है बस उतना ही प्लान करो भाई, नहीं सोचना है आगे का, मुझे नहीं प्लान करना है मुझे वो 150 डेज के लिए, एक दिन का आधा दिन का प्लान कर लो, एग्जीक्यूट कर लो, चलो हो गया, नेक्स्ट खाना खाते वक्त और बाकी का आधा दिन का प्लान कर लो, उतना तो कर सकते हो ना, उसको बोलते हैं कैसे अप्रोच। स्टार्ट विद दैट, स्टार्ट कंप्लीटिंग दिस ऑन डेली बेसिस, 5 to 6 to 7 डेज एक बार कर लो, एक हैबिट बन जाएगा आपका एंड देन एक बार कोई चीज का हैबिट बन गया फिर बाद में उसको आगे कैसे लेके जाना है वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको ले जाएगा। राइट, देन वैसे कैसा लगा ये अप्रोच जरूर बताना कमेंट्स में, दैट यस आई विल यूज द काइजेन अप्रोच। राइटिंग प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट्स इज द की इन द फर्स्ट रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन में जितना ज्यादा टाइम लोगे ना उतना कम टाइम सेकेंड और थर्ड रिवीजन खाएगा। अगर फर्स्ट रिवीजन में कम टाइम में उड़ा दिया, अरे ये बाद में देख लूंगा, ये अरे ये नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दिया, जितना आप ऐसे उसका शॉर्टकट यूज करोगे ना फर्स्ट रिवीजन में उतना लॉन्ग कट एग्जाम में होगा, उतना लॉन्ग कट आपको सेकंड एंड थर्ड रिवीजन में जाएगा। तो फर्स्ट रिवीजन या फर्स्ट रीडिंग जिसको अपन बोलते हैं बिकम्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। इसी रिवीजन में कॉन्सेप्चुअली क्लियर भी होना है। आजकल तो आप लोगों के पास हर कॉन्सेप्ट के YouTube के ऊपर रिवीजन लेक्चर्स है, हर चीज का आपके पास एक्सेस अवेलेबल है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड एट द सेम टाइम आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी उतनी ही शिद्दत से करना है इन द फर्स्ट रिवीजन। बिकॉज देखो राइटिंग प्रैक्टिस बाद में जैसे जैसे टाइम कम होते जाता है ना उतना आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस कम करते जाते हैं, सो एटलीस्ट इनिशियली जब अपने पास टाइम है
तो वो टाइम वेस्ट ना करके उसको यूज करे अपन राइटिंग प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट में. बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज कि अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होता है ना, देन इन दैट केस मैं बोलता हूँ ठीक है ना, आराम से देख लेंगे. वो आराम से देख लेंगे में कब टाइम निकल जाता है, कब स्टूडेंट का ग्रुप दो ग्रुप से एक ग्रुप पे आ जाता है, एक ग्रुप से एग्जाम ही नहीं दे रहे पे आ जाता है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस गाइस, डोंट लेट दैट हैपन. सो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, करेक्ट, फर्स्ट रीड में अभी जो अपन लोग करने वाले हैं मेन अपने फर्स्ट क्लासेस के बाद का, राइटिंग प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट्स, इन दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन रखेंगे. 12 के जगह 15 दिन गया, 16 दिन गया, चलेगा, ट्रस्ट मी चलेगा वो. बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज टू थिंग्स इन द फर्स्ट केस, बिकॉज मुझे पता है कि आगे थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ. मतलब अगर फर्स्ट रिविजन एकदम अच्छा हुआ और उसकी वजह से थर्ड रिविजन भी नहीं कर पा रहे हो, मैं बोलूंगा दैट इज बेटर देन जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट. बस मेरे 12 दिन सोचा है तो 12 दिन में ही कंप्लीट कर दू, बट क्वालिटी नहीं दे पा रहा हूं तो मतलब नहीं है दीदी, समझ रहे हो. सो प्लीज इसके लिए मैंने यहाँ पे ये भरा नहीं है. आई वॉन्ट यू टू फिल इट, यू नो योर सेल्फ बेटर एंड कितना क्या टाइम लग रहा है. इसको फ्लेक्सिबल रखेंगे, ठीक है. हो सकता है एफ आर 30 का 35 ले ले, AFM 25 का 30 ले ले, बट ऑडिट 30 का 15 दिन में हो जाए. सो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होते रहेगा, प्रोवाइडेड अपन डेली बेसिस पे टारगेट्स कंप्लीट करते रहे एंड ये दोनों चीजों को साथ में लेके चले. कॉन्सेप्ट्स और राइटिंग प्रैक्टिस बराबर चलेगा ना, मेंटली आप इतना स्ट्रांग हो जाओगे ना, दैट सेकेंड रिविजन विल बी अ केक वॉक फॉर यू. सो कीप दैट थिंग इन माइंड डेली. मेरा तो एटलीस्ट ये एक सजेशन है कि दो सब्जेक्ट्स यूज करने का. कुछ लोग होते हैं जो खाली एक भी करते हैं, बट मेरा सजेशन होता है दो सब्जेक्ट, बिकॉज फर्स्ट हाफ एक सब्जेक्ट उठा लो, कंप्लीट कर लो उसको जो टारगेट रखा है, फिर बाद में वापस से वही पढ़ोगे ना तो थोड़ा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है, DMU मतलब. तो अब उस सब्जेक्ट के लिए उतना मेरे को एफिशिएंसी नहीं आएगा, तो अब मैं नया सब्जेक्ट लेता हूँ, वापस से उसमें एफिशिएंसी, वापस उसमें अच्छी तरह से करूंगा. सो आई विल सजेस्ट टू सब्जेक्ट्स इन अ डेली बेसिस. सो प्रोबेबली FR के साथ एक IDT कर लिया, AFM के साथ ऑडिट कर लिया, DT के साथ IBS कर लिया. तो DT के साथ IBS में बेसिकली SCPM और लॉ देखना है, तो वो ऊपर ऊपर से थोड़ा देखते रहे. DT इन इटसेल्फ कितना वास्ट है कि DT के साथ IBS कर लो, FR IDT कर सकते हो एंड AFM ऑडिट कर सकते हो. सो दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट आई कैन सजेस्ट यू. बाकी यू कैन टेक योर ओन डिसीजन. देर विल बी डेज जहां पे 2 घंटा भी पढ़ाई नहीं हो रही है, एक्सेप्ट अभी से कर लो, बट उसका मतलब ये नहीं ऐसे बहुत सारे दिन होंगे. एक दिन ऐसा जाएगा तब चले जाओ मूवी देखने के लिए या फ्रेंड्स के साथ थोड़ा गपशप कर लो, थोड़ा बहुत एक दिन ऐसा निकाल लो, फिर वापस गेट बैक टू द गियर्स, गेट बैक टू द नॉर्मल थिंग. एक से दो दिन अगर आपने खाली गए ना, फिर बाद में बॉडी को कंफर्ट जोन मिल जाएगा, माइंड को कंफर्ट जोन मिल जाएगा, फिर वापस से ये 12 घंटे या अपना जो राइटिंग प्रैक्टिस है वापस से इस जोन में आना will become very very difficult. Plan for tests on part portion completion. जरूरी नहीं है पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाए. AFM में 15 टॉपिक्स है, 6-7 टॉपिक्स का अगर आपका पढ़ के हो जाए कर लो, उसका भी टेस्ट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आजकल सब चीज अवेलेबल है, पास पेपर के हिसाब से ले लो, मार्क करते जाना क्या क्या आप लोग को फाइनल रिविजन के टाइम पे करना है. सो ये जब ये टेस्ट देने का एक ही चीज है, दैट मार्क द एग्जाम डे या जिसको मैं बोलूंगा सेकेंड रिविजन क्वेश्चंस. जब आप लोग अपना फर्स्ट रिविजन करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि ये 10 में से 4 क्वेश्चन इजी है, मैं आराम से मैनेज कर पाया, खुद से सॉल्व कर पाया वो भी बिना देखे. बट 6 क्वेश्चन में अटका मैं, कुछ कुछ पॉइंट्स पे रह गया, उसका नोट करते जाना है आपको. एंड जब आप सेकेंड रिविजन करोगे वो 6 क्वेश्चन कर लो और वो नोट्स को प्रॉपरली फॉलो कर लो, आई थिंक वी विल बी गुड टू गो, समझ रहे हो. सो मार्क द एग्जाम डे सेकेंड रिविजन क्वेश्चन. आपके प्रोफेसर ने भी दिया होगा, हो सकता है आपको बाद में भी मिलते जाए. जैसे मेरी समरी बुक है, मैजिक बुक AFM की, उसमें मैं दे देता हूँ. सो अप टू यू, जैसे जैसे आप लोग ने अप्रोच रखना है कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये आपको सेकेंड रिविजन में क्या पढ़ना है वो भी आपका फर्स्ट रिविजन के टाइम पे क्लियर कर लेना, बस. हाँ, बता रहा हूँ मैं. सी ऑल ऑफ दिस टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, तो वो एफर्ट डालने के लिए रेडी रहना आने वाले 5 महीने के लिए. आने वाला 50 साल सुधारना है तो देख लो, चॉइस इज योर्स. सेट अ डेली रूटीन, अ डेली रूटीन स्टडी ब्लॉक. स्टडी ब्लॉक का मतलब क्या होता है भाई, मैंने आपको जैसा बोला 5:30 को मैं उठ जाता था, 6:15 आई वुड स्टार्ट माई डे. तो 6:15 टू 9:15 मेरा एक स्टडी ब्लॉक था, 9:15 टू 10:30 ब्रेकफास्ट हैविंग अ बाथ एंड ऑल ऑफ दैट, 10:30 टू 1:30 और एक स्टडी ब्लॉक,
6 घंटा हो गया लंच के पहले, देन आई यूज टू टेक अ नैप, फिर बाद में वापस से 3 घंटे का एक स्टडी ब्लॉक, वापस से 3 घंटे का एक स्टडी ब्लॉक, समझ रहे? कंसिस्टेंटली फॉलो करो इसको, स्टडी ब्लॉक्स मेथड. डू अ स्वॉट एनालिसिस एंड फोकस मोर ऑन द वीक एरियाज. जैसा मैंने बोला, मेरे लिए शायद ऑडिट और डीटी वीक होगा, आपके लिए हो सकता है AFM और IDTV को, व्हाटएवर द केस मे बी. सो जो वीक है उसको बाद के लिए, लास्ट के लिए मत रखना, पैनिक सिचुएशन हो जाएगा, उसको साथ साथ में टैकल करते जाओ. मतलब आई वुड सजेस्ट एक सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रेंथ है और दूसरा सब्जेक्ट जो वीक है, तो दोनों का एक बैलेंस बना रहेगा. थोड़ा ये इससे कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा, थोड़ा इससे बैलेंस में रहेंगे अपन, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, उसके लिए वीक सब्जेक्ट को भी साथ में रखो, सो दैट देयर इज अ बैलेंस. तो ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो, देन इन दैट केस द क्लियरिंग फर्स्ट अटेम्प्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम. एज मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी सेज, जस्ट फॉलो द प्रोसेस. अगर आप लोग ने प्रोसेस को बराबर से फॉलो कर लिया, आउटकम विल बी योर्स. बट ये प्रोसेस फॉलो करने में ही प्रॉब्लम हो जाता है. ये कंसिस्टेंटली करना, ये प्रोसेस को डे इन डे आउट, रोज मॉर्निंग में एक रूटीन सेट करना, स्टडी ब्लॉक्स को फॉलो करना, कैसे इन अप्रोच को, राइटिंग प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट्स, ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टेमिना एंड मेंटल पेशेंस. यस, दिस इज द रियल टेस्ट. बट ऑब्वियसली इसका जो रिवॉर्ड है वो इतना बड़ा है, वो इतना अच्छा है, दैट इट इज डेफिनेटली वर्थ इट. आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. सो लेट्स बी स्ट्रॉन्ग मेंटली, फिजिकली, एंड लेट्स बी रेडी टू पुट इन आर बेस्ट दैट वी कैन इन द अपकमिंग एग्जाम्स. बाकी आपको मेरी तरफ से कुछ सजेशन चाहिए, हाँ, एक IBS के लिए मैं आपको बोल रहा था कि मैं उसको अलग से बताऊंगा. देखो, IBS इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 सब्जेक्ट्स, FR, ऑडिट, AFM, DT, IDT. उसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं है. IBS के लिए आपको अलग से करना है, वो है SCPM एंड दूसरा है मेरा लॉ. तो इन दोनों को टैकल करना है. अब इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स, फ्रैंकली बोल रहा हूं, नहीं डालने हैं. यस, अपने को इसको बराबर से करना है, तो SCPM के लॉ के रिविजन लेक्चर्स एंड आप जो बुक्स फॉलो करने वाले हैं वो आप प्लीज क्लैरिटी रखिएगा, एंड आई एम श्योर थिंग्स विल वर्क एब्सोल्यूटली फाइन. सो बस इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए. बाकी आपको मेरी तरफ से कुछ और एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और यू कैन ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड वी विल स्टे कनेक्टेड. टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता. बहुत सारी चीजें अब और डिस्कस करनी है टू एंश्योर दैट यू रीच टू योर ड्रीम एंड आई बिकम अ ब्रिज फॉर द सेम. ओके गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में. आपको कुछ स्पेसिफिकली चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड विल गेट इट फॉर यू. Thank you so much. Take care. Keep smiling. Bye-bye.